हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राउन मॉम्स कुकिंग। आज हम बनाएंगे वाइट पास्ता सॉस। इजी, घर पर कैसे बनती है, बिल्कुल ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ अपने घर में आप झटपट से ही बना सकते हो वाइट पास्ता सॉस को। आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे स्टोर भी कर सकते हो। यह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली है, इसके सिंपल ही इंग्रेडिएंट्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी वाइट सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए सिंपल 3 इंग्रेडिएंट्स और थोड़े से मसाले, वो मैं आपको साथ साथ में बताऊंगी। मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 बड़े चम्मच मैदे के, और जितना हमने मैदा लिया है उतना ही हमें बटर चाहिए, और 2 कप हमें चाहिए दूध। हमारी सॉस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक पैन, और उसमें ऐड कर दिया है हमारा बटर, और हमारे बटर को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। बटर हमारा मेल्ट हो चुका है, गैस का फ्लेम हमने लो टू मीडियम ही रखना है, और हमारा जो आधा मैदा है वो हमने इसमें ऐड कर देना है, और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसके बाद हमने थोड़ा सा मैदा और ऐड कर देना है, और अच्छे से हमारे मैदे को लो फ्लेम पे पका लेना है। इसे डार्क ब्राउन नहीं करना है, लेकिन हमें कच्चा भी नहीं चाहिए हमारा मैदा। धीरे धीरे हमारे मैदे को हमारे बटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े और हमारा जो मैदा है वो अच्छे से भुनकर तैयार हो जाए। हमारे चम्मच को कंटिन्यूसली चलाते रहना है, और 5-7 मिनट में यह भुनकर तैयार हो जाएगा। 5-7 मिनट हो चुके हैं, हमारा मैदा अच्छे से भुनकर तैयार हो चुका है, इससे एक अच्छी सी खुशबू आ रही है। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है हमारा आधा दूध, और गैस का फ्लेम हमने लो ही रखना है, और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। धीरे धीरे से दूध ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। हमारी वाइट सॉस को बनाते समय हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम जल्दी करेंगे तो हमारा मैदा जल जाएगा और हमारी जो सॉस है वो ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल ही लो फ्लेम रखना है और अच्छे से मिक्स करना है, ताकि इसमें कोई भी गुठली ना पड़े और हमारी जो सॉस है वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो। अब मैं इसमें आधा गिलास और दूध ऐड कर रही हूँ, और धीरे धीरे इसे मिक्स करते ही रहना है। इसमें हमें 2 गिलास दूध के लगेंगे। हमारे 2 गिलास दूध से और थोड़े से मैदे से और थोड़े से बटर से हमारे घर में इजी तरीके से सॉस बनकर तैयार हो जाती है। आपको कभी भी ज़रूरत हो तो आप इस तरीके से बनाकर अपने घर में इसे यूज़ कीजिएगा। यह बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है, तो आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे हमने हमारा सारा दूध इसमें ऐड कर दिया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना हो और हमारी जो सॉस है वो अच्छी बनकर तैयार हो। हमारी वाइट सॉस अच्छे से मिक्स होकर तैयार हो चुकी है, और अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स, 1/2 स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, और 1/2 स्पून हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इटालियन सीजनिंग। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो उसके बगैर भी आपकी सॉस परफेक्ट बनकर तैयार होगी। अब हमें इन सभी मसालों को हमारी सॉस के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है, और हमारी सॉस बनकर तैयार हो चुकी है। हमारे मसालों को भी हमारी सॉस के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि हमारे मसाले और हमारी सॉस भी एकदम अच्छे से मिक्स होकर तैयार हो जाए,
और एक दो मिनट में ही यह मिक्स होकर तैयार हो जाएगी। और आपने देखा कि कैसे मैंने घर पर इजी सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ वाइट सॉस बनाकर तैयार की है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने घर में इसी तरीके से आपको जब चाहिए वाइट सॉस आप राइट वे भी इसे बनाकर यूज कर सकते हो। यह बहुत ही सिंपल इजी है तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे मसाले भी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। गैस का फ्लेम हमने बंद कर देना है और हमारी सॉस को अच्छे से ठंडा कर लेना है रूम टेम्परेचर पर। हमारी वाइट सॉस ठंडी हो चुकी है और अब हम इसे स्टोर कर रहे हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक कांच की बोतल और उसे अच्छे से धो लिया है और साफ़ कर लिया है और अब मैं इसे अच्छे से भर लूँगी बोतल को। इस पास्ता सॉस को आप मैक्रोनी बनाने में भी यूज कर सकते हो। इससे मैक्रोनी भी बहुत ही टेस्टी बनती है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैंने इसे बोतल को भर लिया है और इसे ढक्कन लगाकर आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। 10 से 15 दिन तक यह ख़राब नहीं होगी और आप किसी भी टाइम इसे यूज़ करके अपने घर में पास्ता बना सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको बनाकर और अपने घर में पास्ता को एंजॉय कीजिए रेस्टोरेंट स्टाइल में।